डिफेंस फेस 6 में वाकई डिफेंस राया में होने वाले गोल्फ टूर्नामेंट में डिफेंस राया के मेंबर्स और एजाजी गोल्फर्स ने हिस्सा लिया। मेंबर्स की ग्रॉस कैटेगरी में जनरल तारिक ने पहली और आमिर चौधरी ने दूसरी पोजीशन हासिल की। नेट कैटेगरी में मुगीस बुखारी ने पहली और खालिद महमूद ने दूसरी पोजीशन ली। नॉन मेंबर्स की ग्रॉस कैटेगरी में अहमद मवाज पहले और कर्नल मजहर दूसरे नंबर पर रहे। नेट कैटेगरी में कैप्टन अनवर कमाल ने पहली और हाफिज फजल रब्बी ने दूसरी पोजीशन हासिल की। लेडीज कैटेगरी में मिसेज गुलफरीन वहीद ने पहली जबकि रबाब खान ने दूसरी पोजीशन ली। गोल्फर्स का कहना है कि इस तरह के इवेंट्स मुस्तकिल बुनियादों पर होने चाहिए ताकि उनके खेल में मजीद बेहतरी आए। सेहत के लिए बहुत अच्छी है कि इसके साथ साथ आप वॉक भी कर लेते हैं और एक अच्छा मौसम भी इंजॉय कर लेते हैं। और मेरा ख्याल है इट्स ए वेरी वेरी हेल्दी एक्टिविटी प्लस पॉजिटिव एक्टिविटी। अपनी फैमिली के साथ आई हूँ डिफेंस राया गोल्फ क्लब में। यहाँ पे फैमिली का पूरा टूर्नामेंट है और बहुत मज़ा आ रहा है। वेदर भी बहुत अच्छा है। भी आते हैं, खेलते हैं, देखते हैं और वैसे भी एक हेल्दी एटमोसफेयर है और यहाँ आके खुशी होती है कि आप बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। कंपटीशन है, कंपटीशन में आप हिस्सा लेते हैं। रियली एक्साइटिंग गेम। और दूसरी बात ये कि एक वेदर हम इंजॉय कर रहे हैं, दूसरा ये फैमिली इवेंट है। हम लोग फैमिली सब इकट्ठी हुई है, हम मदर्स के साथ अपने सिबलिंग्स के साथ गोल्फ खेल रहे हैं एंड इट्स रियली एक्साइटिंग टू प्ले दिस गेम। बरकी कुमकुमों में होने वाली तकरीब में जीतने वाले खिलाड़ियों में हायर की जानिब से टीवी, फ्रीजर, एसी और सीडी प्लेयर समेत दीगर अशिया बतौर इनाम तकसीम की गई। कैमरामैन आतिफ यासीन के साथ आमिर डार, सिटी 42।